गुरु कुछ टाइम पहले भारत एक बहुत चौचक मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, लेकिन नहीं किया। पता है काहे? गधा चीन की वजह से। अच्छा एक बात बताओ, चाइना असल में है क्या? अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि चाइना एक देश है। अरे नहीं रे भैया, यहीं पे तो तुम लोग धड़ाक से मार खाते हो। ये गलत फहमी में मत रहना कि चाइना एक देश है। चाइना एक दलिद्र देश है। अब देखो, चाइना खुद ही इतना भयंकर भयंकर हथियार बनाता है, उसके बाद टेस्ट करता है। तो गुरु हथियार बनाने के बाद रखेगा थोड़ी, टेस्टिंग तो करबे करेगा ससुरा। अब जब गधा मिसाइलवा को टेस्ट करता है, तब भारत कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। लेकिन जब भारत खाली मिसाइल टेस्टिंग करने का अनाउंसमेंट करेगा ना, उसके बाद ही गधवा खाना पीना छोड़ के मुंह लटका देगा कि भारत ही तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे इस कदम से एशिया की शांति भंग हो जाएगी। देख रहे हो गुरु, ससुर के नाती को गधा चीन जब मिसाइल टेस्टिंग करता है तब एशिया में मेला लगता है, लेकिन जब भारत मिसाइल टेस्ट करता है तब एशिया की शांति भंग होती है। जवन कंटाप मरबे सारे गधा। तो गुरु पिछली बार जब भारत मिसाइल टेस्ट करने वाला था, उसके पहले ही चीन ने अपना जासूसी पनिया जहाज लेके श्रीलंका के पोर्ट पे खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से भारत को अपना मिसाइल टेस्ट कैंसिल करना पड़ा था। और गुरु श्रीलंका को मैं बहुत दिनों से नजर में लिया हूँ, ये ससुरा जिसकी थाली में खाता है उसका थालिया चुरा लेता है। बताओ भारत ने इसकी कितनी मदद की, लेकिन फिर भी श्रीलंका घूम फिर के जाएगा चीन के पास। छोड़ो जाने दो, इनको कभी और रेलते हैं। तो गुरु भारत ने एक एरिया वार्निंग दे दिए सबको। दरअसल भारत दिसंबर यानी कि इस महीने के 15 से 16 तारीख के बीच में एक बहुत ही घातक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर तक की है। और वार्निंग के दौरान 15 से 16 तारीख के बीच में कोनो जहाज इतनी रेंज में नहीं उड़नी चाहिए, समझे? तो गुरु बस आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना।